जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रमुखों से बात करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर दिया बयान। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर में तनाव के पीछे धर्म का अहम हाथ है, इसके साथ ही उन्होंने फिर से दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की इच्छा की जाहिर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मध्यस्थता करूं और या कुछ और कर सकूं। हमारे भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ट्रंप ने कहा कि वो कश्मीर की तनावपूर्ण स्थिति पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोबारा चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के साथ ये चर्चा ट्रंप G20 समिट के दौरान करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने ईडी के जवाब पर रॉबर्ट वाड्रा को पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते का दिया समय। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज कर FIR कर दी चुनौती, साथ ही उसे रद्द करने की मांग। INX मीडिया हेराफेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम को लगा एक और बड़ा झटका। देश के सभी एयरपोर्ट को पी चिदंबरम पर जारी लुकआउट सर्कुलर की दी जानकारी। अगर पी चिदंबरम देश से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नहीं दी जाएगी इजाजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर की बात। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग ले रहे भारतीयों से उठाया हिंसा का मुद्दा। ब्रिटिश पीएम ने स्पष्ट कहा कि कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है, दोनों देशों को आपसी बातचीत से इसका समाधान निकालना चाहिए। जाम्बिया के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पहुंचे दिल्ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर चगवा लुंगू से की मुलाकात। जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर चगवा लुंगू से को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, जिसके बाद उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, राहत और बचाव में लगा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, जिसके चलते उसमें सवार लोगों की हुई मौत। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की लटकी तलवार। गिरिराज सिंह ने किया ट्वीट, क्या लगता है चिदंबरम साहब रात भर में उसेन बोल्ट रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दरअसल उसेन बोल्ट के बहाने गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर कसा तंज। दिल्ली पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा है और दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर बह रही ऊपर। यमुना का जल स्तर 206.60 मीटर किया गया रिकॉर्ड। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने के बाद अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा में लगातार हो रही बारिश, जिसके कारण हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ फोन पर की बातचीत। राजनाथ सिंह ने मार्क एस्पर को अमेरिका का रक्षा मंत्री नियुक्त होने पर दी बधाई। वहीं दोनों के बीच करीब 21 मिनट तक चले इस पहले फोन संवाद में रक्षा संबंधों पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत में जम्मू कश्मीर का मुद्दा और भारत पाक सीमा पर तनाव का मुद्दा भी उठा।
सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों की ओर से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में परास्नातक और किसी तरह का खास कोर्स में दाखिला लेने से पहले छात्रों से उस बॉन्ड को भराए जाने के फैसले का किया समर्थन। कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से देनी होगी सेवा। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच जस्टिस एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता ने कहा कि सरकार ने हर मेडिकल छात्रों पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर आई सामने। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान घाटी में दहशत फैलाने की कर रहा है साजिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के लिए विभिन्न प्रस्तावों को दी मंजूरी। इसके साथ ही सेना मुख्यालय में तैनात कुल 206 अधिकारियों को अब फील्ड ऑपरेशन में भी भेजा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन संबंधी कई फैसलों को दी मंजूरी। सेना मुख्यालय द्वारा किए गए एक विस्तृत आंतरिक अध्ययन के आधार पर दी गई है मंजूरी। भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए कई बड़े कदम, जहां अब सरकार इस दिशा में कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी राहत देने पर कर रही है विचार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल गौर का भोपाल के नर्मदा अस्पताल में हुआ निधन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुनाया बड़ा फैसला। समूचे यूपी में डीजे बजाए जाने पर लगाई पाबंदी। अमेठी में छाया भारी बारिश का कहर, तेज बरसात के चलते एक मकान भरभरा कर गिरा। घटना के दौरान घर में सो रहे तीन लोगों की मलबे में दबकर मौके पर हुई मौत और दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सूचना पर पहुंची राहत टीम ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। राजधानी लखनऊ के एक किडवर व्यक्ति ने मरते मरते एक अनोखी मिसाल की पेश। उसने 5 लोगों के अंग दान कर उनके जीवन को दी नई रोशनी। मामले पर परिजनों की काउंसलिंग कर मृतक की पत्नी की सहमति पर डॉक्टरों ने अंगदान की तैयारी की शुरू। लखनऊ में वेंटिलेटर न मिलने से एक महिला मरीज की थमी सांस से पत्नी की जान बचाने के लिए पति करीब 3 घंटे तक अस्पताल में भटकता रहा, मगर वेंटिलेटर नहीं मिला। केजीएमयू से प्राइवेट अस्पताल ले जाते समय महिला ने तोड़ा दम। परिजनों का आरोप है कि लोहिया में वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद मरीज की जान बच जाती। चलने वाली देश की पहली प्रीमियम ट्रेन रफ्तार के मामले में
गाइडलाइन के मुताबिक प्रीमियम ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफर कुछ घंटों में करेगी पूरा। ब्रांच टीम ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं होने की कोशिश कर रहा पाक, वहीं वर्तमान में उसके प्रदर्शन और अनुपालन रिपोर्ट की जा रही है समीक्षा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ताइवान को 66 F-16 युद्ध विमान बेचे जाने की दी मंजूरी। चीन ने अमेरिका को परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। ट्रंप ने एक बार फिर से कश्मीर पर मध्यस्थता का राग अलापा। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर और का मामला बेहद जटिल है, भारत पाक के बीच हालात विस्फोटक। फ्रांस ने कश्मीर पर भारत के रुख का पूरी तरह से किया समर्थन। दोनों देशों ने भारत पाक से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल करने की अपील। एस जयशंकर ने पहुंचने से पहले कश्मीर मुद्दे पर नेपाल ने दिया बड़ा बयान। प्रदीप ग्यावली ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाए। सऊदी अरब में महिलाओं को अकेले यात्रा करने के ऐतिहासिक अधिकार मिले। महिलाओं को पासपोर्ट हासिल करने का या विदेश यात्रा के लिए संरक्षक की अनुमति लेना जरूरी नहीं। असम में एनआरसी पर बांग्लादेश दौरे पर विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी दिया जोर। जाकिर नाइक ने नस्ली टिप्पणी को लेकर मांगी माफी। मलेशिया से जाकिर को निष्कासित करने की मांग तेज। हाफिज सईद ने आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े मामलों में अपनी गिरफ्तारी को लाहौर हाईकोर्ट में दी चुनौती। एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस ने भारत में अपने हवाई नेटवर्क को विस्तार देने के लिए नई दिल्ली से चेन्नई के बीच डेली फ्लाइट्स की घोषणा। उड़ानों की बुकिंग के लिए लॉन्चिंग किराया 3,499 रुपए है। बुकिंग के लिए टिकट की बिक्री 20 अगस्त 2019 से हुई शुरू। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में देखी गई हल्की गिरावट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 29.28 अंकों की गिरावट के साथ 37,298.73 पर खुला। प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते हाउसिंग सेक्टर के फिरने वाले हैं दिन। मंदी के दौर से गुजर रहे सेक्टर में 5,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की बनी संभावना। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमृत अभिजात का दावा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना में निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी। वायदा कारोबार में सोना 114 रुपए गिरकर 37,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वायदा कारोबार में चांदी 307 रुपए गिरकर 47,634 रुपए प्रति किलोग्राम पर हुई। देश की सबसे बड़ी बिस्किट निर्माता कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 10,000 कर्मचारियों की कर सकती है छटनी। कंपनी को बिक्री में गिरावट से लगातार हो रहा है नुकसान। चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने अपना नया एंड्रॉइड 1 स्मार्टफोन मी A3 को भारत में किया लॉन्च। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि बांड के जरिए जुटाएगा पूंजी। अगले सप्ताह पूंजी संग्रह समिति की बैठक में होगा फैसला। बीसीसीआई के एक फैसले ने तेज गेंदबाज श्री संत को दी राहत। उन पर लगा आजीवन बैन कम करके 7 साल का किया। कोच आर श्रीधर को उनके पद पर दोबारा नियुक्त किया जाना तय। सूत्रों के अनुसार श्रीधर को दोबारा 2 साल के लिए टीम का बनाया जा सकता है फील्डिंग कोच। विराट ने वेस्टइंडीज में बीच पर शर्टलेस हुए टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तस्वीर की साझा। एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट से स्टीव स्मिथ हुए बाहर। टीम के कोच जस्टिन लैंगर का कहना है कि उनकी टीम का फोकस जीत पर है, हेलमेट पर गेंद मारने पर नहीं। वेस्टइंडीज टीम की प्री सीरीज कैंप से जुड़े ब्रायन लारा ने बताया वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज जीतने के लिए किस एक बदलाव की है जरूरत। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के एचएस प्रणॉय और बी साई प्रणीत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सुनील ने कड़े मुकाबले में हरियाणा के जितेंद्र को हराकर विश्व चैंपियनशिप का टिकट किया हासिल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राउंड रॉबिन चरण में मिली हार के बाद न्यूजीलैंड को फाइनल में
5-0 से हराकर जीता ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट। रोनाल्डो के वकीलों ने कोर्ट में पेश किए दस्तावेजों में यौन उत्पीड़न मामले में समझौते में पैसे देने की बात कबूली। महिला ने रोनाल्डो पर लगाया आरोप। भारत 3 मैचों में 5 अंक लेकर रहा शीर्ष पर। फाइनल में उसका मुकाबला विश्व के 14वें नंबर के जापान से होगा। मीका सिंह का पाक में स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर सिने एसोसिएशन ने लगाया प्रतिबंध। साथ ही मीका के घर सिने एसोसिएशन ने किया प्रोटेस्ट। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। 15 अगस्त को सिनेमाघरों में उतरी खिलाड़ी कुमार की इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार। भूलभुलैया 2 के पोस्टर रिलीज होते ही दर्शकों ने फिल्म में अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को देखकर जताई नाराजगी। आदित्य रॉय कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड दीवा धवन से करने वाले हैं शादी। दोनों 2020 तक करेंगे शादी। देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बनने जा रही सीरीज में नजर आएंगी विद्या बालन। इस वेब सीरीज का निर्देशन करेंगे रितेश बात्रा। सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स 2 फंसी विवादों के घेरे में। सीरीज के कई सीन्स में धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। सीरीज के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के लिए यह सीरीज बनी गले की हड्डी। सैफ अली खान पर फिल्म आए एक सीन के लिए उनके खिलाफ FIR कराई गई है दर्ज। विकी कौशल ने अपनी एक बचपन की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए खुद को बताया फ्रिज पोटैटो। फ्रांस उनकी फोटो पर किए कमेंट। श्रद्धा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो किया शेयर जिसमें वो स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते दिखी। श्रद्धा के फैंस ने किया खूब पसंद। ऋतिक रोशन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 40 दिनों का पूरा किया सफर। 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी सुपर 30 की रफ्तार हुई धीमी। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ।